इस लॉकडाउन की वजह से बड़े बड़े स्टार्स बेरोजगार बैठे हैं। अक्षय कुमार और आमिर खान ये ऐसे दो स्टार्स हैं जो अपने काम को लेकर बेहद सिंसियर रहते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि इनका काम टाइम से पूरा हो जाए, लेकिन लॉकडाउन ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया क्योंकि अब आमिर अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं अक्षय भी अपने आने वाली फिल्म की शूटिंग्स बीच में छोड़कर बैठे हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में सलमान खान ने काम करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। सलमान इस लॉकडाउन का ऐसा फायदा उठा रहे हैं कि वो इस बीच कई क्रिएटिव काम को अंजाम दे चुके हैं और देखा जाए तो लॉकडाउन खुलने के बाद भी सलमान इन चार तैयारियों से लॉकडाउन के बाद अक्षय कुमार और आमिर खान दोनों से काफी आगे निकल जाएंगे। और वो कैसे, उसके लिए हम आपको बताते हैं सलमान की वो चार तैयारियां। पहली तैयारी, फार्म हाउस को बना लिया है अपना ऑफिस, जिम और स्टूडियो। जी हाँ, सलमान खान अब अपने फार्म हाउस को अपना ऑफिस बना चुके हैं और उन्होंने भी वहीं से वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बकायदा फार्म हाउस में एक स्टूडियो बनाया है और सलमान उसी में बैठकर अपने सॉन्ग्स की प्लानिंग, शूटिंग्स और एडिटिंग करते हैं। वहीं जिम में सलमान अपने आप को टोन्ड कर रहे हैं ताकि अपने आप को वो आने वाली फिल्मों के हिसाब से पहले से ही तैयार करके बैठे कि जैसे ही लॉकडाउन खुले बिना टाइम वेस्ट किए शूटिंग शुरू हो पाए। यानी फार्म हाउस से सलमान अपने क्रिएटिव आइडियाज पर काम कर रहे हैं। दूसरी तैयारी, फार्म हाउस से हो रहा है नॉनस्टॉप काम, यानी लॉकडाउन के बाद की तैयारियों पर ताबड़तोड़ तैयारी। जी हाँ, सलमान खान अपने फार्म हाउस पर अब नई स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं जो उन्हें वीडियो कॉल्स के थ्रू फिल्म मेकर सुना रहे हैं। वहीं सलमान की फिल्म राधे की प्री प्रोडक्शन का भी काम फार्म हाउस से ही चल रहा है। शूट लाइंड अप किए जा रहे हैं कि कैसे लॉकडाउन खुलने के बाद सलमान शूटिंग शुरू करें। आफ्टर ऑल सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स भी तो फॉलो करने हैं, इसलिए सलमान लॉकडाउन के बाद का भी प्लान बना रहे हैं। तीसरी तैयारी, फार्म हाउस के स्टूडियो को बना दिया है और शानदार, और हो सकता है कि यहीं से कुछ नई नवेली चीजें सबको देखने को मिले। जी हाँ, फार्म हाउस ही सलमान का ऑफिस है तो लिहाजा आपको आने वाले टाइम में सलमान कुछ और क्रिएटिव आइडियाज सामने लेकर आ सकते हैं। दो सॉन्ग्स को रिलीज करने के बाद हो सकता है कि अब सलमान कोई टीजर, कोई शॉर्ट फिल्म या कुछ भी अपने फैंस के लिए प्लान कर रहे हों। और चौथी तैयारी, फार्म हाउस में शूट के लिए बढ़िया लोकेशंस हैं, खतरे से दूरी है और है एक ऐसा माहौल जहां हो सकता है खूब क्रिएटिव काम। जी हां, सलमान खान को अब लोकेशंस को लेकर ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। इतना बड़ा फार्म हाउस है, ऐसे में सलमान वहां कितनी सुंदर सुंदर लोकेशंस पर शूटिंग्स कर सकते हैं और इसी के साथ नए नए और यूनिक कंटेंट्स लेकर आ सकते हैं। अगर वहीं देखा जाए तो सलमान खान के सबसे तगड़े कॉम्पिटिटर्स आमिर, अक्षय, ऋतिक रोशन और अजय देवगन, इनमें से किसी की भी तैयारी ऐसी एक्सटेंसिव नहीं है। अधिकतर लोग मुंबई में अपनी अपनी कोठियों में कैद हैं, लेकिन वहीं सलमान खान ने इस कैद से खुद को आजाद करके अग्रेसिव काम शुरू कर दिया है और जाहिर तौर पर इसका फायदा उन्हें लॉकडाउन के फौरन बाद जरूर मिलने वाला है।